हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टरलाइजेशन। तो इस टॉपिक को हम समझते हैं, तो ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी यूनिट सेकंड का लेक्चर तीसरा है जिसे हम आज देखेंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। तो पहली बात ये कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये हमारा एग्जाम में भी हमेशा पूछा जाता है, और रियल लाइफ में मतलब हम माइक्रोबायोलॉजी की लैब और इन सब में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, स्किप मत करना, बाकी ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स इससे ले सकेंगे। समझते हैं सबसे पहले स्टरलाइजेशन होता क्या है। तो स्टरलाइजेशन हमारी एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हम बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, कवक, मतलब जितने छोटे छोटे जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन सबको हम वहाँ से साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल समझें तो हमारा, समझिए कि ये हमारा एक ब्लॉक है छोटा सा। तो अब इस पर थोड़े सारे, अब ये हमारा, जैसे हमको ये तो पता ही है कि हमारा रूम हो, एनवायरमेंट हो, हर तरफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, होते ही होते हैं बैक्टीरिया। जैसे अगर आप कल तक खाना रख दें और 2 दिन बाद आप उस खाने को देखेंगे तो वो खराब हो जाता है, महक आने लगती है। क्यों? बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया कहाँ से आए? वो हमारे एनवायरनमेंट में हर तरफ हैं। तो वही होते हैं कि जैसे हमारी कोई, ये मान लीजिए एक प्लेट है हमारी, और इस पे हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो हमको अगर इस प्लेट को कुछ ऐसी जगह यूज़ करना है जो हाई सेंसिटिव है, जैसे कहीं किसी की बॉडी में कुछ इस पे लग के जाना है, या कुछ हम खाएंगे, या कोई रूम ऐसा यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होने हैं, ऐसी जगह पे जब इनका यूज़ होता है तो हमको इसको फिर क्लीन करने की ज़रूरत होती है, जैसे फिर एक भी बैक्टीरिया ना हो और वो हमारा क्लीन से अच्छे से यूज़ हो सके। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टरलाइजेशन प्रोसेस के जरिए हम इसको बिल्कुल क्लीन कर देंगे और ये हमारा बैक्टीरिया रहित हो जाएगा। मतलब बैक्टीरिया रहित मतलब एक भी बैक्टीरिया इस पे नहीं रहेगा, या वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, ये बिल्कुल क्लीन होगी। और ये हमारी पूरी जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं स्टरलाइजेशन, और जो हमारे सबस्टांस होगा इसको हम बोलेंगे स्टरलाइज्ड। मतलब ये हमारी प्रोसेस हो चुकी है, स्टरलाइज्ड हो गया, यानी कि ये प्लेट हमारी स्टरलाइज हो चुकी है। ये हमारी सिंपल स्टरलाइजेशन प्रोसेस है। अब इसको डेफिनेशन वाइज कैसे लिखेंगे, ये आप सिंपल देख सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी रिमूव और किल द बैक टाइप्स ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वाइज एक्साम्पल, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ऑल नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स। अब हम देखते हैं इसका मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, मतलब जो स्टरलाइजेशन हम कर रहे हैं इनको किन किन मेथड के द्वारा हम करते हैं। तो ये 4 तरीके हमारे पास, फिजिकल मेथड जिसमें हम मतलब फिजिकली करते हैं हीट वगैरह यूज़ करके, केमिकल गैसेस मेथड, इसमें हम क्या करते हैं कि गैसेस का यूज़ करते हैं केमिकली। फिर हमारा तीसरा रेडिएशन मेथड, इसमें हम रेज का यूज करते हैं, जैसे अल्फा, गामा, बीटा रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, इंफ्रा रेज हो गई। फिर हमारा है मैकेनिकल मेथड, इसमें हम फिल्ट्रेशन के द्वारा बैक्टीरिया को अलग कर देते हैं और हम क्लीन कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसमें से एक कवर करेंगे, फिजिकल मेथड, जिसमें हम पढ़ेंगे हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव। तो ये हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव ये बहुत ही मच मोर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल लाइफ में भी, और ये एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। इन दोनों में से कोई एक जरूर पूछेंगे, और उस हिसाब से देखें तो हमारा इन दोनों में ऑटोक्लेव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल मेथड क्या होते हैं। तो इन दिस मेथड हीट अप्लाई ऑन द सर्फेस एंड प्रोटीन और बैक्टीरिया आर डीनेचर एंड ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर एंड इट्स स्किन। मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी सरफेस है, ये सर्फेस या कुछ भी, इस पे जब हम हीट अप्लाई करते हैं, हीट हमने अप्लाई की, तो क्या होगा, इस जो भी हमारे इस पे जो वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी प्रेजेंट होंगे, उनके अंदर क्या होगा, डीनेचुरेशन प्रोसेस हो जाएगी हीट के जरिए, और वो हमारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वहीं के वहीं हमारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। ये सिंपल हमारा प्रिंसिपल, इन सब में हमारा जो फिजिकल मेथड है इसमें हमारा ये प्रिंसिपल काम करता है। मतलब क्या हुआ, हाई टेम्परेचर पे, और ये तो फ्रेंड्स हम सबको पता ही है कि हमने पहले भी देखा कि बैक्टीरिया को अगर हम हाई टेम्परेचर पे, यानी कि गर्म करने पे बैक्टीरिया मर जाते हैं। दूध वगैरह होता है, दूध को क्या करते हैं, हम उबालते हैं, इसीलिए तो उबालते हैं जिससे उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया, वायरस है, सब हों, वो मर जाएँ और दूध हमारा प्योर हो जाए, क्लीन हो जाए। जितनी ज़्यादा देर तक उबालते हैं उतना वो कम भी होता जाता है और उतना ही प्योर मिल जाता है। यही सिंपल है। अब क्या है कि एक इजी और सिंपल मेथड है, और ये हमारा थर्मोस्टेबल कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है। थर्मोस्टेबल वो कंपाउंड होते हैं जो ज़्यादा हीट मिलने पर भी मतलब हमारे ख़राब नहीं होते हैं। जैसे हमारा कोई लोहे का कुछ है, अब लोहे की कोई प्लेट है, उसको हम अगर गर्म कर देंगे तो वो वैसी रहेगी, ख़राब नहीं होगी ना। लेकिन हमारे कुछ होते हैं हीट सेंसिटिव सबस्टांसेस, और जैसे एग्जाम्पल मैं यही बताऊँ कि ये मेरी पेन है, ये हमारी प्लास्टिक की है, अब अगर मैं इसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर दूँ, गर्म हो जाए, तो इसके बैक्टीरिया तो मरेंगे, साथ में ये भी मर जाएगी, ये पूरी हमारी पिघल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी पेन भी। तो हमको ऐसे सबस्टांस फिजिकल मेथड में यूज़ नहीं करने हैं जो ज़्यादा थर्मेलाइबल होते हैं, मतलब जो ज़्यादा हीट पे खराब हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। अब हम फिजिकल मेथड में देख लेते हैं, हमारे 2 तरीके हमने देखे थे, एक ड्राई हीट में सबस्टाइलेशन और एक हमारा मॉइस्ट हीट। अब ड्राई हीट में हमारे कौन कौन से आते हैं, एक सनलाइट आता है,
सनलाइट हम देखते हैं क्या है जी, हम नेचुरल प्रोसेस है हमारी, और हम देखते आए हैं कि बचपन से ही कि धूप में हम कुछ भी रख देते हैं वो सूख जाता है और साफ हो जाता है। इसको हर घर में यूज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल सबसे अच्छा समझे तो अचार का देखिए कि सबके घर में जो मम्मी वगैरह होते हैं क्या करती हैं, अचार को धूप में रख देती है। क्यों रखती हैं? जिससे क्या होता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं और हमारा वो साफ रहता है, मतलब बैक्टीरिया रहित रहता है और हमें उससे कोई नुकसान नहीं होता है। और भी सामान हो, कुछ भी हो, तो सुखाने के लिए हम बाहर रख देते हैं। कुछ खराब हो जाता है तब भी हम उसको सुखाने के लिए बाहर रख देते हैं धूप में। फिर हमारा दूसरा रेड हीट है। अब रेड हीट में होता क्या है कि इसमें हम ना गर्म कर देते हैं प्रोडक्ट को इतना जब तक वो हमारा लाल ना हो जाए। जैसे यहाँ से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, अब इसमें लाल ना हो जाए तो इसलिए हमको कौन सा सब्सटेंस लेना पड़ेगा? मेटल का। अगर हम ये प्लास्टिक वगैरह लेंगे ये क्या होगा? पिघल जाएगी। अब यहाँ पे कुछ ऐसा लोहे वगैरह या कोई स्टील स्टेनलेस ऐसे ही हमें सब्सटेंस लेने पड़ेंगे जो इससे हो। तो हम इसको तब तक गर्म करते हैं जब तक ये हमारा पूरा सब्सटेंस रेड ना हो जाए। रेड कलर देखा होगा ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा कोई गर्म हो जाता है, सरिया वगैरह देखते हैं मोस्टली घरों में, जब गर्म हो जाती है तो लाल हो जाती है बिल्कुल। तो तब तक उसको गर्म करना है जब तक वो बिल्कुल रेड ना हो जाए कलर में, और रेड आउट होने के बाद वो हमारा क्या हो जाएगा? स्टरलाइज हो जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल हम देखें, जैसे इनोक्युलेटिंग वायर्स हैं, इनोक्युलेटिंग वायर इनोक्युलेशन लूप में लगते हैं जो क्या करते थे, बैक्टीरिया को उठा के हम उस पर स्ट्राइक करते थे ना, वो वाले वायरस हो गए, उन्हें अभी हम ऐसे स्टरलाइज करते हैं। फिर निडल हो गई, निडल को हम कहीं पे यूज करते हैं, किसी के टांके वगैरह जैसे चोट लग जाती है ठीक, उसके यूज करते हैं, तो उसमें भी हम निडल को क्या करते हैं? रेड हीट के द्वारा पूरा कर लेते हैं। हमारा तीसरा इसमें देखते हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में होता यही है, बस इसको सिंपल ये है कि जो हम यहाँ पे मेटल लगा रहे हैं उसको हम परमानेंट यहाँ नहीं रखेंगे जब तक वो रेड ना हो जाए, बल्कि हम इसको ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा करते हैं, जिससे क्या होता है उस पर फ्लेम मिलती रहती है और वो हमारा क्या होता है हल्का सा हीट प्रोवाइड करेगा। और हमको मतलब कंटिन्यूस नहीं रखते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं, उस पर फ्लेम हल्की हल्की मिलती रहती है और हमारा वो क्लीन हो जाता है। इसके लिए जैसे गिलास स्लाइड वगैरह हो गई, अब गिलास स्लाइड होती है ये हमारी जिसमें हम बैक्टीरिया देखते हैं रख के, इसको हम अगर परमानेंट ऐसे गर्म करेंगे रेड हीट तो ये चटक के टूट जाएगी, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं इसको मतलब ऐसे ऐसे करते हैं थोड़ा ऊपर नीचे, जिससे फ्लेम हम इसको दे देते हैं आग और हमारी ये स्टरलाइज हो जाती है। अब हमारा आता है हॉट एयर ओवन, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, ये एक तो हमारा वाइडली यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस में। प्रिंसिपल क्या है कि इन हॉट एयर ओवन, ये हमारा जो हॉट एयर ओवन है इसमें हम हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और जब हम टेम्परेचर किसी का हाई कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा बैक्टीरिया उसमें मर जाता है। यही हमारा सिंपल इसका प्रिंसिपल है कि बैक्टीरिया डीनेचर्ड एंड ऑक्सीडाइज इन द बैक्टीरिया किल। अब एक चीज़ यहाँ पर ये बनता है कि ऑक्सीडाइज, अब कभी कोई पूछ लिया जाए कि हॉट एयर में कौन सा प्रिंसिपल है तो क्या होता है उसमें बैक्टीरिया के साथ, तो आप बताएंगे कि बैक्टीरिया एक तो डीनेचर्ड हो जाता है, उसके बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारा बैक्टीरिया मर जाता है। अब ये आप समझ रहे हैं इन दोनों का मतलब क्या है। जैसे ये हमारा बैक्टीरिया है, इसके अंदर हमारी ये प्रोसेस हुई और ये हमारा फर्स्ट फट गया और अब ये बैक्टीरिया हमारा मर गया। यही सिंपल है, मतलब बैक्टीरिया मर जाना, उसके अंदर सारा कुछ खत्म हो जाना। हॉट एयर ओवन ये हमारा इसके अंदर हो रहा है। अब कैसे हो रहा है हम यहाँ पे ये देखते हैं, तो इसका डायग्राम ये है कि इसके कंस्ट्रक्शन हम देख लेते क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ डबल वाल चैम्बर, मतलब दो वाल हैं, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, एक साइड हमारा एल्यूमिनियम है। उसके बाद क्या है, ये आउटर केज जो हमारा यहाँ पे, ये हमारा ग्लास ट्यूब वगैरह लगी होती है, ग्लास थिक लेयर। फिर इसमें इंसुलेशन मोड और दिया जाता है। इंसुलेशन मोड क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये हमारी पाइप सी लग रही संरचना, फिर हमारी यहाँ पे ये लग रही होगी पाइप सी। तो ये करते क्या है कि ये हमारा जो पाइप है ये है, इसमें हमारा भरा होता है एक एस बैस्केट गैसकेट। तो ये हमारा होता क्या है कि ये हमारा मतलब टाइट सील प्रदान करता है, जिससे हमारी जो एयर है, एयर इससे हमारी आर पार नहीं हो पाती, मतलब बाहर की अंदर और अंदर की बाहर नहीं हो पाती है। इससे हमें ये प्रॉफिट होता है कि जब हम इसको क्लोज कर देते हैं तो बाहर की एयर इसके अंदर आ नहीं रही है और इसके अंदर अंदर पूरा गर्म टेम्परेचर इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, और जब गर्म क्रिएट हो जाएगा तो हमारा बैक्टीरिया मर जाता है। ये हमारा सिंपल इसका वो है कंस्ट्रक्शन, ये है। वर्किंग क्या है इसमें हम देख लेते हैं कि ये आपको चार्ट याद रखना है सब में। अब कैसे कि ये हमने इसका ढक्कन खोला, इसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारा मटेरियल है वो इस पे परफोरेटेड सरफेस जो है सेल्व इसके अंदर हम रख देंगे। उसके बाद हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम 170 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो हमें 60 मिनट के लिए रखना पड़ेगा, एक घंटे के लिए। 160 डिग्री पे करते हैं तो 120 मिनट की, दो घंटे के लिए। और 150 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं तो हमें 150 मिनट के लिए रखना पड़ेगा, और 140 डिग्री सेल्सियस पर 180। मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि हम जितना कम टेम्परेचर कर रहे हैं उतना टाइम बढ़ रहा है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ही कम टाइम में हो रहा है। तो यही है ना कि जितना हाई टेम्परेचर उतनी जल्दी बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो इसको याद में रखना है। और सिंपल हमें किसी को भी फिट कर देना है कि अगर 170 डिग्री पर फिट कर दिया तो एक घंटे के लिए हम उसको रखेंगे, फिर एक घंटे बाद जैसे ही हमारा वो बैक्टीरिया फंगी जो कुछ है सब मर जाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं हम ओवन को दो घंटे के लिए कम से कम ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
ठंडा इसलिए कि अगर हम अचानक इसको खोलेंगे तो गर्म से तुरंत अगर वो रैपिडली कूल होगा तो हमारी जो ग्लास स्लाइड या कुछ है वो टूटने का इसमें खतरा रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपल इसको 2 घंटे के लिए स्लोली स्लोली ठंडा होने देते हैं, और जब पूरा ठंडा हो जाता है उसके बाद हम इसके डोर को ओपन करते हैं और यहाँ से हम निकाल लेते हैं हमारा प्रोडक्ट, और हमारा प्रोडक्ट स्टराइज हो चुका है। ये सिंपल हमारा हॉट एयर ओवन है। ठीक है फ्रेंड, नोट्स आपको ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्दर अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम समझते हैं इसके कुछ छोटी मगर मोटी बातें, जैसे एडवांटेज, डिसएडवांटेज और चीजेस। तो हमारा एडवांटेज क्या है कि ये सिंपल और इजी है, दूसरा क्या है कि हार्मफुल फ्यूम्स नहीं देता, क्योंकि ये हमारा पूरा क्लोज कंटेनर है, अंदर ही अंदर सारी प्रोसेस होती है, इसलिए हमको इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। फिर डीमेरिट क्या है कि एक तो हमारा ये फिजिकल मेथड है, तो इसमें हम वैसे सब्सटेंस जो हमारे हीट ज़्यादा होने पर ख़राब हो जाते हैं उनको हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, जैसे हमारे सर्जिकल ड्रेसिंग होगी, रबर हो गई। अब रबर को अगर हम ज़्यादा गर्म रखेंगे तो वो पिघल जाएगी, और पिघल के वो खुद ही डिकम्पोज हो जाएगी, तो वो बैक्टीरिया को क्या किल करेगी, खुद ही मर गई वो। तो ठीक है, तो हम ऐसे सब्सटेंस में डिमेरिट्स नहीं कर सकते। अब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब यूजेस, इसके हम समझते हैं कि ये हम किस किस में यूज कर सकते हैं। फिर पहला क्या है कि हम इसको यूज टू स्टरलाइज केस में कहते हैं ग्लास बेयर, ग्लास बेयर यानी कि जो कांच वगैरह के वो बने होते हैं ना, अपैरेटस होते हैं, जैसे बीकर हो गया हमारा, और कुछ भी ग्लास बेयर हो गया, बीकर हो गया, मेजरिंग सिलेंडर, ये सारी चीज़ें हम हो गई, वो हम इसमें कर सकते हैं ईजिली स्टरलाइज। उसके बाद हम इसमें कुछ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस भी हैं, जैसे हमारा ग्लिसरीन है, फिक्स ऑयल है, लिक्विड पैराफिन्स हैं, इन सब को भी हम इसमें स्टरलाइज कर सकते हैं। फिर हमारे कुछ डस्टिंग पाउडर भी आते हैं, जैसे काओलिन, टॉक, जिंक ऑक्साइड, इनको भी हम इसमें कर सकते हैं। ये सिंपल इसकी एप्लीकेशंस थी। अब हम दूसरा देखते हैं अपना मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, इसको भी हम जल्दी से देखते हैं। तो इन दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड बाय हॉट वाटर और स्टीम, मतलब इसमें हो क्या रहा है कि उसमें जो हम ये हीट अप्लाई कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, स्टीम अप्लाई करेंगे। और स्टीम हमारा कैसे बनता है, जब हम पानी को, यहाँ पे ये हमारा वाटर है, इसको जब हम गर्म करते हैं, गर्म होने के बाद ये हमारा स्टीम में कन्वर्ट होता है, और इसके द्वारा जो हीट लगेगी वो हमारा इसमें यूज होती है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा सिंपल इसमें है, ये हमारा यूज हो रहा है। अब इसमें एक काम और करते हैं कि फ्रेंड, जैसा हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अब तक इंजीनियरिंग वगैरह में, कि और ये चीज़ हमको पता भी है कि जैसे हमारा ये कोई कंटेनर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, यहाँ से हम क्रिएट करते हैं वेपर, तो अगर हम यहाँ पे इस किसी को वेसल्स में अंदर करके अगर हम यहाँ पे वैक्यूम लगा दें और इसके प्रेशर को कम कर दें, वेपर प्रेशर को वैक्यूम के जरिए, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ना। ये चीज़ हमको पता है कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें कम करना है किसी ज़्यादा का, तो हम उसका प्रेशर कम कर देते हैं। ये सिंपल हमारा होता है कि हमारा जो प्रेशर है वो डायरेक्ट टेम्परेचर के वो होता है प्रोपोर्शनल। तो अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो हमारा टेम्परेचर कम होगा, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तब भी तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यही यहाँ पे होता है कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को वो कर देते हैं, मीजर करके, मेंटेन करके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। और जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर पर समझ लीजिए 15 से 20 मिनट के लिए भी कुछ रखेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, वो अच्छे से किल हो जाता है। ये हमारा सिंपल एक है। अब हम इसको समझते हैं, ये भी हमारे 3 भागों में डिवाइड है। पहला हमारा टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा हमारा टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तीसरा हमारा टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री से नीचे है, इसमें हम उन चीज़ों को, मतलब जो हमारे फ्लू जैसे होते हैं, फ्लू टाइप होते हैं, मतलब हीट लाइबल है, यानी कि वो ज़्यादा हीट पे ख़राब हो जाएंगे, दूसरे हमारे फ्लू टाइप है, उनको हम इसमें स्टरलाइज करते हैं। जैसे हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा है मिल्क, दूध। दूध को हम क्या करते हैं, 63 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम उसको 1 घंटे तक पकाते हैं, तो मतलब उबालते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल स्टरलाइज हो जाता है, प्योर। यही हमारा होता है पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। वैसे ही अगर हम वैक्सीन वगैरह कोई हम प्रिपेयर करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अगर हमें बैक्टीरिया रहित उसको करना है, बैक्टीरिया से फ्री करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, वाटर बाथ में 60 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए पकाते, 1 घंटे के लिए मतलब रख देते हैं, तो हमारा क्या होता है, वैक्सीन स्टरलाइज हो जाती है, मतलब क्लीन हो जाती है बैक्टीरिया से। यही हमारा है कि टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें हम ऐसे लिक्विड फ्लूड को स्टरलाइज करते हैं जो हमारे हीट लेवल होते हैं, मतलब ज़्यादा हीट पे ख़राब हो जाते हैं। सिंपल है। अब हमारा दूसरा देखते हैं, टेम्परेचर एट 100 डिग्री। फ्रेंड्स, आपको ये सब मतलब सिंपल ऐसे ही आपको पता करनी है डेफिनेशन, लेकिन जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको ये है कि आपको हॉट एयर ओवन और हमारा ऑटोक्लेव, इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, टेम्परेचर ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा क्या है, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें एट 100 मतलब 100 डिग्री पे हम इसको बॉईल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा सिंपल जो टेम्परेचर है वो हमारा स्टरलाइज हो जाता है। जैसे हमारा एग्जांपल बॉइलिंग है। अब बॉइलिंग तो सभी को पता है, पानी हम गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 100 डिग्री पे गर्म करते हैं और हमारा ये क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। ये हमारा सिंपल इसमें है। अब हम देखते हैं हमारा मेन की टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें हमारा आता है ऑटोक्लेव।
ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जब हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, और जैसे ही हाई टेम्परेचर पे पहुंचेंगे हमारी कोई सब्सटेंस, हाई टेम्परेचर में हमारा जब क्रिएट होगा हाई टेम्परेचर, तो हमारा बैक्टीरिया ऑटोमेटिक किल हो जाएगा, क्योंकि वो भाई हाई टेम्परेचर पर नहीं जीवित रह सकते। यही मैंने बताया था, वही इसका प्रिंसिपल है कि सैचुरेटेड स्टीम, जब हमने पानी को गर्म करके स्टीम को क्रिएट किया, और स्टीम को क्रिएट करके हमने क्या किया, उसको क्लोज्ड वेसल, ये बंद होता है, उसके अंदर हम इसको रखते हैं, तो हमारा प्रेशर जब हम इसको इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से हमारा बैक्टीरिया मर जाता है। ये सिंपल इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पे हो गया जो मैंने लिखा भैया, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो एक हमारे ये क्लोज्ड वेसल्स की तरह होता है, यहाँ से ये ओपन होता है ऊपर से, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये क्लिप है, यहाँ से ये हमारा ओपन होता है। फिर हमारा नीचे यहाँ पे लगे हुए हैं ड्रेन वेल, यहाँ से हम पानी इसमें लिक्विड भरते हैं, मतलब वाटर को। फिर यहाँ पे ये हमारा हीटिंग लगा हुआ है, यानी कि ये गर्म करेगा, अब ये हीटर गर्म करता है। यहाँ पे हमारी ग्रिड बास्केट है, यहाँ से हम रख देते हैं ग्रिड बास्केट, इसमें हम वो मटेरियल सब्सटेंस रखते हैं जिसको हमें स्टरलाइज करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा प्रेशर वेसल था, ये चीज़ जो हमारी है ना, ये हमारे यहाँ से प्रेशर क्रिएट करेगी, जो मैं बोल रहा था ना प्रेशर बढ़ाती है, प्रेशर क्रिएट करेगी। फिर एक होता है प्रेशर गॉज, ये हमारा कैलकुलेट करता है प्रेशर को। फिर एक जो हमारा सेफ्टी वॉल्व है, ये क्या होता है कि जैसे मान लो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया, ज़्यादा स्टीम क्रिएट हो गई है, तो जब एक चीज़ पता है ज़्यादा स्टीम हो जाती है तो फटने का डर रहता है। जैसे आप यहाँ प्रेशर कुकर जैसा समझ सकते हैं, बिल्कुल सेम वही होता है। अगर प्रेशर कुकर भी कभी कभी फट जाते हैं, सुनी होगी घटनाएं कभी, तो उसमें भी क्या होता है जब प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, उसके लिए यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व भी है। ये क्या करती है, हम एक्सेस एयर को, जो स्टीम हमारी बनती है उसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। फिर एक हमारे यहाँ एयर रिमूवल वॉल्व है, इससे हम क्या करते हैं एयर को बाहर निकालते हैं। और टेम्परेचर मेंटेन के लिए यहाँ पे हमारा थर्मामीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम कंस्ट्रक्शन में हमने ये देख लिया है किसके लिए क्या है। अब हम सिंपल इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि आखिर वर्किंग क्या है, तो प्रोसीजर मतलब क्या है, कैसे है। तो प्रोसीजर करते क्या है कि सबसे पहले हम इस लिड को ओपन करेंगे यहाँ से, ये हमारे लिड यानी ढक्कन पूरा समझ लीजिए, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमारा मटेरियल है उसको हम यहाँ पे ग्रिड बास्केट में रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ से पानी इसमें भरेंगे, वाटर फिल करेंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हीट अप्लाई, हीटिंग एलिमेंट के द्वारा हम इसको हीट गर्म करना शुरू कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमको ये पूरा मेंटेन करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है, वरना गड़बड़ हो सकती है, फट भी सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेटेरियल पुट करने के बाद लीड क्लोज कर दिए, उसके बाद हम डिस्चार्ज टैप ओपन कर देते हैं। ये हमारी है एयर रिमूवल ऑयल, इससे निकलता रहे, और सेफ वाल्व जो हमारा सेफ्टी वाल्व है इसको हम मेंटेन करके रखते हैं। अब एक चीज़ देखते हैं, जैसे हमारा ये गर्म हो रहा है यहाँ पे, तो जो बबल्स कुछ बनती हैं एयर की, अगर वो बबल्स बंद हो जाए, मतलब बबल्स बनना बंद हो जाए, तब हम समझ लेते हैं कि जो इसके अंदर जो हमारी एयर थी ना, हवा जो पहले से भरी हुई थी, वो हमारी पूरी बाहर निकल चुकी है एयर रिमूवल वाल्व से। ये देख रहे हैं ना, यहाँ से पहले हम इसके अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल देते हैं, एयर रिमूवल वाल्व से बाहर निकल जाती है, उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं, ये हमने यहाँ से क्लोज कर देते हैं। सिंपल समझिए, बहुत ही इजी है, समझते जाइए। ऐसे आप पढ़ा कीजिए जैसे मतलब टॉकिंग, बातें कर रहे हो आप अपने किसी फ्रेंड से, आपको बहुत ईजी रहेगा समझने में। उसके बाद हमने ये बंद कर दिया। फिर हम इसका, हमारा कुछ टाइम होता है जिसके अकॉर्डिंग, जैसा हमारा हॉट एयर ओवन में था उसी तरह से होता है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा होता है टाइम कि अगर हम टेम्परेचर 115 से 118 डिग्री सेल्सियस के बीच रखते हैं, और हम स्टीम प्रेशर जो हम यहाँ प्रेशर गॉज के साथ मतलब इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं मेंटेन, वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 10 10 का हम प्रेशर रखते हैं, तो हमारा जो होल्डिंग टाइम होगा, मतलब हम 30 मिनट के लिए केवल इसके अंदर मटेरियल रखेंगे, और हमारा जो मटेरियल होगा वो हमारा अच्छी तरह से पूरा स्टरलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हम जितना हाई टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं उतना हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं ना उतना ही हमारा टाइम कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या प्रिंसिपल में पढ़ा था कि हमारा हाई प्रेशर हमारा स्टरलाइजेशन करेगा, हाई प्रेशर हमारा बैक्टीरिया को मारेगा। तो हम जितना हाई प्रेशर यहाँ पे कर रहे हैं उतना ही जल्दी हमारा बैक्टीरिया मरा, यहाँ 30 मिनट लग रहा है, यहाँ 15, यहाँ 10, और यहाँ 3 मिनट में ही सिर्फ हमारा काम तमाम बैक्टीरिया का हो जाता है। तो यही हमारा सिंपल है, ये आपको याद रखना है कि कितने टेम्परेचर पे कितना प्रेशर है, और उसको हम कितने देर के लिए रखेंगे उस जो हमारा सब्सटेंस है मटेरियल उसको, ये हमारा होल्डिंग टाइम है। तो यहाँ से हम बैक्टीरिया इसमें रख देते हैं ग्रिड बास्केट में, फिर हम उसको टाइम के मेंटेन रख देते हैं कि टेम्परेचर फिट कर देते हैं, यहाँ से प्रेशर जो हमारा गॉज प्रेशर है इसके जरिए हम प्रेशर फिट कर देते हैं, और यहाँ से ये देखिए कंट्रोल वाले, मतलब कोई अगर ज़्यादा हो तो हम उसको निकाल सकें, ये हमारे सेफ्टी वाले, इन सब के बारे में हम देख ही चुके हैं। उसके बाद हम इसको रख देते हैं होल्डिंग टाइम, जैसे ही हमारा होल्डिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है, मतलब होल्डिंग टाइम जैसे
यहाँ पे हमारा होल्डिंग टाइम अगर 115 से 118 डिग्री तो 30 मिनट का है, तो 30 मिनट जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसको इजीली ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही हमारा ये ठंडा होगा इसको हम ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसका प्रेशर मीजर करेंगे। जो हमारा प्रेशर जहाँ पे है ना, ये हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब नॉर्मल हो जाए, मतलब नॉर्मल कंडीशन हो जाए, इसके अंदर भी जैसी बाहर है वैसी। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और हमारा जो मटेरियल है वो हम इससे निकाल लेंगे और हमारा वो स्टरलाइज हो चुका है। ये हमारा सिंपल है। अब हम इसके वो देख लेते हैं कि इसमें मतलब कुछ छोटी मगर मोटी बात है, मतलब डिसएडवांटेज एडवांटेज और वो चीज़ हम इसमें देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे मेरिट्स क्या है इसकी, कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा यूज भी किया जाता है। उसके बाद क्या है कि ये मतलब हीटिंग एक्सपोज्ड आर्टिकल, मतलब क्या है, बहुत ही फास्ट है, क्विकर है, रखा तुरंत, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक हमने देखा 3 मिनट के अंदर भी हो जाता है ये, 3 मिनट तो हमने रखा तुरंत फटाक से हो जाता है, 3-4 मिनट में कोई स्टरलाइज हो जाए, बहुत ही क्विकर हो गया। उसके बाद क्या है, ये बहुत ही ग्रेटर लीथल एक्शन ऑफ मॉइस्ट हीट, मतलब मॉइस्ट हीट जो हमारी मॉइस्ट हीट, यहाँ वर्ड इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हम एयर और वाटर का यूज़ किया है ना हमने, और वाटर का यहाँ यूज होता है वो हमारा मॉइस्चर हो जाता है, इसीलिए हम मॉइस्ट हीट का यूज़ करते हैं। तो उसका ये सबसे मतलब ताकतवर रूप एक तरह से है, जिसके जरिए हम इतना अच्छा काम करें बहुत ही जल्दी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या है, कि ये एनहाइड्रस मटेरियल जैसे हमारे पाउडर हो गए, ऑयल हो गए, फैट्स हो गए, इनको ये हमारा स्टरलाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि ये आप समझ रहे हैं पाउडर वगैरह को अगर मॉइस्ट हीट प्रदान करेंगे तो वो थोड़ा मॉइस्चर पकड़ लेगा और हमारा गीला हो जाएगा पाउडर, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे हीट लेवल सब्सटेंस होते हैं वो भी नहीं कर सकते, जो ज़्यादा हीट पे ख़राब हो जाते हैं उन मटेरियल को भी हम इसमें नहीं कर सकते सब्सटेंस को। इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं क्या है, किस किस में यूज़ करते हैं। तो हमारे कुछ बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया होते हैं, जैसे हमारे कल्चर मीडिया हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब के लिए जो होता है उनके लिए। फिर हीट स्टेबल लिक्विड के लिए, यानी कि वो लिक्विड जो हमारे हीट स्टेबल होते हैं, ज़्यादा हीट पर ख़राब नहीं होते हैं। फिर हमारे सेलाइन सॉल्यूशन हो गए, हीट रेजिस्टेंस इक्विपमेंट हो गए, जो हमारे हीट रेजिस्टेंस होते हैं यानी कि ज़्यादा हीट पर ख़राब नहीं होते हैं। फिर हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे ग्लासवेयर, फिल्टर, रबर, ये हमारे हो गए। तो ये हमारा सिंपल हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी कैसे हम क्या करते हैं। हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये नोट्स फ्रेंड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, जिसमें हम आगे के मेथड को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।